हुतु हुतु कूलडिहा जंगल जलुवा बेले खबर संग्रह जा सांबादिक स्थानीय लोकों सह मिसि प्रथम निआ लिभाई अन्य पक्ष जंगल जलुवा बेले सेठे कौनसी वन कर्मचारी नूतन न रहा परिवेश प्रेमी को चकित करने सहित साधारण तीव्र असंतोष प्रकाश करिछे। बालेश्वर जिला नीलगिरी रही कूलडिहा अभयारण्य 272.75 वर्ग किलोमीटर परिव्याप्त यह अभयारण्य शताधिक हाथी बाघ भालू कुटरा हरिण प्रभृति वन्यजंतु बसवास करती तेरे किछि दिन हेब जंगल देवगिरी पहाड़ रंगमाटिया पुटीबंध हुड़ी साई पंचलिंगेश्वर प्रभृति अंचल हु हो जंगल जलिबार लगी वन्यजंतु माने वनाग्नि भय रे गाँ मुहबार लगी तेरे सहस्राधिक सरीसृप और पक्षी जीवन विपन्न हो पड़ी तेरे एत मात्र जंगल जली चलता बेले केही भी जड़े हेले वन कर्मचारी एठारे मुतयन नहांती जेउतिपाई नियार प्रकोप एबे बढ़िबार लागिछे। ए संपर्क रे वन विभाग अधिकारी को जोगाजो करा जाइथिले हे सेमाने निया लिभाइबा पाई उद्यम आरंभ करुछंती बोली कहिछंती। एहाकु नै आज हमर द्वितीय प्रसंग रहिछे जळुछि कूलडिहा अभयारण्य। दर्शक बंधु जमीक आम प्रथम प्रसंग में आलोचना करुले हाथी मान कि भाव में अस्तव्यस्त करुँचना जनवसति सहित किभली भाव में हाथी मृत्यु ट्रेंड में रोचे बर्तमान द्वितीय प्रसंग में आम आलोचना करवा बर्तमान समय जो भाव में जंगल गुड़िक हुतु हुतु जलुचे ता क्रम में जो मैंने जंगली जंतु रोचे बर्तमान समय से एक प्रकार जनवसति मुहांती या भयर लोक मैंने एक प्रकार भयभीत अवस्था रोचे कारण एक जंगल में अनेक गुड़िया सरीसृप कथ कहतु जीवजंतु कथ कहतु अनेक गुड़िया जीवजंतु रही था कि जो भाव में क्रमगत भाव में अनेक समय देखा मिली जानुरी मस आरंभ 2023 आरंभ ही सूचना आग को आसूला कि जंगल जलिबार चित्र सामना को आसुचे बर्तमान समय जंगल जलिबार चित्र सामना को आसुचे लिभिबार ना नेउनी एवं अनेक समय हाथी मृत्यु कथ हो जंगल जलिबा कथ सब समय वन विभाग को एक प्रकार लोक मैंने दायी करुछंती बा समस्ते दोषी बोली आक्षेप करुछंती कारण जो समय वन विभाग कर्मचारी मैंने उपस्थित रहा कथ महजूद रहा कथ से ही समय वन विभाग कर्मचारी देखा मिलूनी सहित प्रतिक्रिया ना चेस्टा कले कैमेरा सम्मुखें कौनसी भी तथ्य देवाक राजी ना तेज यह संपर्क में तमाम आलोचना करवा आम सहित सीधा सड़क लाइव में जोड़ी होती आम जलेश्वर प्रतिनिधि दीनबंधु प्रधान। दीनबंधु जो भावे लगातार क्रमगत भाव में कूलडिहा अभयारण्य जो रही लगातार भाव में जलिबार लगी सूचना दौले किसी सांबादिक प्रथम देखी और वन विभाग को खबर देते प्रथम आपंठ पूरा घटना कौन रही है केतेदिन धरी जंगल टी जलुची ए बाबद वन विभाग प्रतिक्रिया कौन आसमान समय दीनबंधु देख आज सात दिन जलुची कूलडिहा अभयारण्यकुशिया अभयारण्य से भली समान अवस्था प्रथम कथा देखा निया लगे कारण कौन आम खोज निया लगभग प्रथम कारण है जिते बड़े हाथी आतंक को लोक एड़ाइवा हाथी दाऊ रक्षा पाइबा लोक मैंने कि रात अधिका कि निया लगे था जो निया कि बर्तमान धीरे 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 माड़ जाइए चार ये हूँ गोटे कथा। द्वितीय कथा है जंगल को नहीं बंचु लोके जंगल को नहीं चली आसुवा लोक मैंने साधारण कथा भाव से जंगल जात द्रव्य को नहीं प्रतिदिन जीवन जीविका निर्वाह करते हूँ ये समय हूँ बर्तमान महुल गुल आसवार समय तेज महुल फुल को बिक्री कर लोक मैंने पर्याप्त पैसा रोजगार करता किसी रोजगार संग्रह करते लगे प्रकृत कारण है महुल गच्छ पाखक जाऊँगी महुल गच्छ तले जेहेतु आज को पांच सात मास धरी वर्षा ना तेणु सुखिला पत्र सब पड़ रही प्रथम निया लगे जिते बिया लगे गच्छ मूल जिते पुड़ी जाए पत्र सब जो पुड़ी जाए से महुल फुल संग्रह करने को बहुत सुविधा होता है ये हूँ निया लगभग तो द्वितीय कारण। तृतीय कारण है किसी निशाशक्त लोक अच्छा शिकारी अच्छा जो मैंने शिकार लोभ से जाने निशा सेवन करनेक प्रश्न आसुची जंगल निया लगभग कारण आम जो खोजा तेज गत किसी दिन तले जिते जंगल निया देखी जिते बार नीलगिरी पाखाख अंतर जो सांबादिक से जगह पहुंची देखिकी से वन विभाग को खबर देते किंतु से जगह वन विभाग पहुंच नाने स्थानीय लोक सहयोग में लिभाई अंचल चर्चा जारी रही परवर्त अवस्था वन विभाग कर्मचारी मैंने से जगह पहुंचे आम गोटे कथा कह वन विभाग कर्मचारी मैंने सर्वदा अनुपस्थित
ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହେବାକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସେଭଳି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉ ସୁବିଧାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ବା ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ ସେଭଳି ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼କୁ ଲିଭେଇବା ଭଳିଆ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଫାୟାର କର୍ମଚାରୀ। ଯାହାଫଳରେ ସାତ ଦିନ ଧରି ଇଏ ଚାଲିଛି, ନିଆଁ ଜଳି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବି ଅସମର୍ଥ ବା ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଶିବାଜୀ, ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଦିନ ଧରି ନିଆଁଟି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସମର୍ଥ ସାଜୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା କେତେ ଦିନ ଆଉ ଲାଗିବ ଏଇ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ, ଏ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବା କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଟା ତ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ବା କହିବେ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କିମ୍ବା ତାକୁ ଲିଭେଇବାର କଣ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ବା ଦଉନି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଖାଲି ଯାହା ଆମେ ଏତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ କେବେ ସେ ଶିଖରରେ ନିଆଁ ଲିଭିବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ତାହି ନିଆଁ ଲିଭିବ, ନହେଲେ ସବୁ ପୋଡି ଛାରକାର ହବ, କାରଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ମହୁଲ ଫୁଲ ହଉ, କିଏ ଅଁଳା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ହଉ, କିଏ ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ହଉ, କିମ୍ବା ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଶାଳପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଦେଇ ଏ ନେଇ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସେଠାରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ 24 ଘଣ୍ଟା କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ତାର ନଜର ରଖିପାରିବ, ଦେଲେ ଯାଇ ଏହାର କିଛି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦିନବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ରହୁଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ବା କର୍ମଚାରୀ ଯେହେତୁ ସେତିକି ମାତ୍ରା ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ହୁଏତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କଥା କହୁଥିଲେ ବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହୁଲ ପତ୍ର ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଡାଟା ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଦେଖୁନ୍, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିନା ଅଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଲୋକ ସେମିତି ନା। ଆଚ୍ଛା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବନ ବିଭାଗର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ସେତିକ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କାଲି କୁଳଡିହା ଅରଣ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମିଶି ସେଟା ଦାସକାଠିଆ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ସେମାନେ ୱାର୍ଡ ବୁଲିକି ସେମାନେ ଦାସକାଠିଆ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ନିଆଁ ନ ଲଗାଇବାକୁ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ସଠିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିକାରୀକୁ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିନା କରିଦେଉଛି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିନିକ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଗଲି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତେ ବନ ଭିତରୁ କିଏ ପଶିଲା କଣ ପାଇଁ ପଶିଲା ତାର ସେମାନେ ସୂଚନା ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଟିକିନିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ କହିପାରନ୍ତା। ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତିକା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ହବ ବା ବନ୍ୟ ବଣକୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ
आलोचना करिबा जंगल एरिया रहुछि अनेक जीव जंतु बसवास करुछन्ति वर्तमान समय रे जेमली बाबरे आपण कहउछन्ति क्रमागत भाबरे सात दिन धरि जंगल रे निया लागिछि तबे जेतिक सब जीव जंतु रहले निहाते भाबरे सब गाम हेउथिबा बा गार जे माने लोक बसवास करुछन्ति निहाते भाबरे सेमानक मनरे एक प्रकार भय थिबो ग्रामवासी कर ए संक्रांत रे कोन प्रतिक्रिया मिलुछि जेतु सात दिन धरि जंगल रे निया लागिलानी नै गाम ग्रामवासी माने चेष्टा जारी रखिछन्ति ग्रामवासी माने से मानकर ताको निज अंचल को सुरक्षित रखियाको से माने मद निया लेगेबाकु प्रयास जारी रही समस्त चेष्टा कर मेघ टे उठेला समस्त खुशी मेघ किसी मेघ टे बर्षा हेले जंगल लिपिबना तेज समस्त प्रकार चेष्टा जारी रही समस्त आयत्त करेंगे जेहेतु पर्वत पहाड़ उपरे रही बर्तमान से जगह को फायर ब्रिगेड पहुंच पारिबनी किबा केही जीवा को मते से जगह को भयभीत करछन्ती तबे समस्त मते चेष्टा जारी रखि जे प्रकार हेले नियम तो समस्त आय आय तो करबा को चेष्टा करछन्ती जंतु माने मते जेतो जंगल मो हे अछन्ती ये पाटा कंट्रोलर लोक माने मते साधारणत भाव पर भयभीत रहबा कथा एवं भयभीत मते अछन्ती जे समे केमती का माने ए जंगल जो वन्य जंतु का कबल रक्षा पाइबे जहां वन विभाग जो मैंने अच्छा से मैंने मतलब तत्पर अच्छा किसी दिन धरी से मैंने मतलब सहयोग हाथ बढ़े ग्रामवासी मान सहित मिलमिशी से मैंने निया लेखा चेष्टा जारी रखते हूँ बोलिया अभयारण्य आम आउ कि देखा एपटे कि अंचल अच्छी बालेश्वर जिलार आउ कि जंगल अच्छी से गोटे रायगुनिया साइड रोचे बालेश्वर जिलार आप महुडुमार कहतु गंगा माटिया कहतु मयूरभ सीमांत राशगंजपुर जंगल कहतु ये सब जंगल अवस्था सामान सब जगार लोक मैंने निज स्वार्थ हासिल करने को आज जंगल निया लगे परवर्त समय यार भयंकर रूप न निहत भाव में जमी आपंटे कि लोक मैंने निजर जो भाव में जंगल रोचे जंगलजात द्रव्य जो पाँचपर से जीविका निर्भर करुच्चे जो समय से निया लगौं से छोटिया निआटी जो भाव में परिव्याप्त होत आठ दिन लेखा जंगल जलुच्च निहत भाव में परवर्त समय से हईरा हरकत होती जो भाव आप दीनबंधु कहते जो मैंने रोचान वन विभाग कर्मचारी बर्तमान समय सहयोग हाथ बढ़ाऊँच जो भाव आठ दिन भाव में क्रमगत धरी निया बर्तमान समय लगी प्रत्येक दिन वन विभाग कर्मचारी जो मैंने अच्छा जगह परिदर्शन कर हाँ वन विभाग कर्मचारी प्रथम दिन दु तीन दिन टे मान से जान खबर पाई जाशु जा गोटे घटे वन विभाग कर्मचारी मान से जगह उपस्थित अच्छा से लाग बढ़ी निया को आयत कर समस्त चेष्टित अच्छा बर्तमान गोटागोटे भाव में निया को आयत करने समस्त प्रकार प्रस्तुति से जगह जारी रखी केमती निया को आयत कर सामाजिक संगठन स्थानीय बासिंदा समस्त लगे निहत भाव में बर्तमान समय समस्त लगे एक प्रकार कि भाव में निया को आयत्त करहत भाव में आशा रेत जल्दी हे कलोटिया अभयारण्य जो भाव में निया लगी खूब जल्दी निया लिभु एवं सरीसूप सहित जो मैंने जंगली जंतु रोचे से सुरक्षित रुहतु ता सहित जो मैंने रही सेठाकर मनीष जो मैंने रोचे बसवास करें सुरक्षित रुहतु धन्यवाद आप समस्त सूचनापाई तेज जो भाव में आम आलोचना करुचे जंगल जलुच्छे और ता सहित कुलडिया अभयारण्य कथ जी कह विगत सात दिन धरी जो भाव में कुलडिया अभयारण्य जल्बार लगी संपर्क में तमाम आलोचना करुले आम जलेश्वर प्रतिनिधि दीनबंधु प्रधान ए बाबद आमको तमाम अपडेट देते कि भाव में वन विभाग को एक प्रकार समस्त दायी करुँचा सहित वन विभाग कार्यदक्षता को नहीं बर्तमान समय जो प्रश्नवाची सृष्टि होती आम प्रतिनिधि कहते जो जंगल में निया लगुच्छे कि वन विभाग कर्मचारी जो मैंने रोचे दायित्व जो मैंने रोचे से पाखे खबर पहुँचुनी खबर किसी पहुंची पार नहीं कि घटनाटी घटी सार कि समय परे बा किछि दिन परे सेमानको पाखरे खबर पहुंचुचे एवं सेमान घटनास्थल रे परिदर्शन करुछन्ति हुए त कोठिना कोठी वन विभाग रो कार्य दक्षता कोनी गोटे प्रकार प्रश्नवाची सृष्टि होउचे हाथी मृत्यु हो बा अनेक समय रे जंगल कथा हो सबु जगह रे वर्तमान समय रे वन विभाग को दायी करा जाउचे कारण सेतिकि मात्रा रे वन विभाग कर्मचारी जो रहउचन्ति तांकर कार्य दक्षता रहुनी बा कार्य दक्षता अभाव रु वर्तमान समय रे एभळी अघटन घटुचे तेज ए संपर्क में तुम आम आलोचना कर आम सहित आम फोन लाइन में जोड़ी होती सत्यानंद पात्र नीलगिरी प्रतिनिधि सत्यानंद जो भाव में आलोचना करुचे कि भाव में कुलडिया अभयारण्य
विगत 7-8 दिन धरी जळुची वन विभाग कार्यदक्षता को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होती जेहेतु 7-8 दिन धरी जंगल निआ लागिछे वर्तमान समय निआ को आयत्त करिवारे फेल मारिछि पूरा प्रशासन ए बाबदरे कोन आपनकर प्रतिक्रिया रहुछि सत्यानंद वन विभाग जो जो चाहिए जाऊँगी निभाई जंगल जो आम रही कोलढ़िया अभयारण्य 282 वर्ग किलोमीटर भर पर्याप्त पानी ना कि पानी जीव जंतु पीवाई निया लिभे पानी से पार ना फायर ब्रिगेड जा जंगल उपर पानी लिभे पक पार उच्च पहाड़ दुर्गम पहाड़ मध्य को फायर ब्रिगेड मध्य जाई परबो नै ये गोटे समस्या दिन बेले प्रचंड खरा रहुची जत्ते जे वन विभाग जहाँ करुची काम जे निया लिभे पाई ताको केवल सुविधा होउची संध्या समय रे राति सारा से माने पेट्रोलिंग करी निया लिभे थांती दिन बेले प्रचंड खरा जको पटे होउची नियार ताति सेपटे होउची सूर्य ताति ई ताति भितरे दह गंज हेई बोली पुरछंती जंगल विभाग ये गोटे समस्या पाई से माने के पानी पीवा पाई पार ना कि जंगल जीव जंतु पाई पार ना पानी पीवा पाई ना वन कर्मचारी जहाँ 2-4 लिटर पानी लेके जाउछन्ती निजे बहिकी जीव निजे पीबे कहारी मध्य से दिन राति सारा से माने अक्लांत परिश्रम करके से जंगल निया लिभे कि सारा 272 वर्ग किलोमीटर जंगल भितर एटी निया लिभे से पुणी लगला ये सब जो पवन गोटे देलात हूँ देखिए जल्दी दीर्घ 6 मास धरी वर्षा ना नीलगिरी अंचल जहाद्वारा कि शीघ्र निया व्यापी होती निहाती भावे जमी आप कहते वर्षार अभाव वर्तमान समय रोचे और सहित जेहेतु वर्तमान समय खरार प्रकोप बढ़िवे लगे निआ लगे स्वाभाविक कथा सहित जो मैंने निगौंट से सचेतन रहा निहाती आवश्यकता रोचे वर्तमान जो छोटर व्यवसायपाईका जो भाव में गोटे छोटी निआ लगे मात्र कि 7-8 दिन भितर वर्तमान समय अनेक गुड़े क्षय क्षति सरला कुलडिया अभयारण्य सहित जो मैंने जीवजंतु रोचे से ना ना हरकत होती जो मैंने मनीष रोचे जेहतु जनवसति मुहा बर्तमान समय जीवजंतु होती डर रोचे निहत भाव में धन्यवाद सत्यानंद आपको समस्त सूचना जो भाव में आलोचना आज करूँ कि भाव में कुलडिया अभयारण्य विगत 8 दिन धरी जल्वार लगी सहित वन विभाग से मात्र तत्परता रहा आवश्यकता रोचे कि भाव में जिते जल्दी हे कुलडिया अभयारण्य किसी कर सहित किभली भाव में 7-8 दिन हे जंगल जलुची जिते जल्दी ये जंगल निआ लिभिब से जल्दी समस्त हितकर विषय हे समय शेष होडेज बिग न्यूज कोर्ट रखु नमस्कार।